प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के इतिहास में खींची नई लकीर। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुए भव्य समारोह में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन सहित 30 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। ललन सिंह, चिराग पासवान सहित अन्य सहयोगी दल के सांसद भी बने मंत्री। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री और राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वे कृष्ण पाल गुर्जर ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में ली शपथ। और प्रदेश सरकार ने 7000 से अधिक लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्रियां की वितरित। मुख्यमंत्री ने सोनीपत में राज्य स्तरीय समारोह में पात्र लोगों को प्रदान किए प्रमाण पत्र। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नई केंद्रीय मंत्री परिषद को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 31 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दलों में से जनता दल सेकुलर के सांसद एचडी कुमार स्वामी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख जितन राम मांझी, जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह, टीडीपी के सांसद किंजा रप्पू राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी राम विलास के प्रमुख चिराग पासवान उन अन्य लोगों में शामिल थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ शिवसेना के प्रताप राव जाधव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा सांसद कृष्ण पाल गुर्जर, जितेंद्र प्रसाद, पंकज चौधरी और नित्यानंद राय सहित अन्य शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के कई नेताओं ने भाग लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोबगे शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा अभिनेता रजनीकांत, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और विक्रांत मैसी, फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी, उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल लगातार एनडीए सरकार का गठन हुआ। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाली है। आइए प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर पर डालते हैं एक नजर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं किसी भी देश का नेतृत्व जब ऐसे हाथों में हो जिसकी सोच रचनाशील और दृष्टि विकासशील हो तो वो राष्ट्र विकास के हर स्तर पर तेज गति से आगे बढ़ता है। अपने कर्तव्य
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी सोच और दृष्टि से प्रगतिशील हैं, बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनसे जुड़ जाने की कला में भी बेहद सामर्थ्यवान हैं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये उनकी बेहतरीन संवाद कला का ही नतीजा है कि देश हो या विदेश, हर जगह जनता उनसे जुड़ जाती है और उनके व्यक्तित्व का आकर्षण और जादू लगातार बढ़ता चला जाता है। देश की जनता में उनकी लोकप्रियता का नतीजा है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, जो 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने सरकार में राज्य स्तर पर बिना विधायक बने सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसी तरह वो 2014 में पहली बार सांसद बने और फिर देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। नरेंद्र मोदी की यात्रा वडनगर की गलियों से शुरू होती है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। वडनगर रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के पिता की चाय की दुकान थी, जहां वो खुद भी 8 साल की उम्र में चाय बेचा करते थे। बाद में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 20 साल की उम्र में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। 2014 में वो वक्त आया जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर देश की कमान संभाली। देश की जनता ने दोबारा उन्हें जनादेश दिया। मोदी की गारंटी की बदौलत जनता ने 2024 में मोदी को फिर से सिर आंखों पर बिठाया और एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। जनता के इसी प्यार और आशीर्वाद से 2024 में तीसरी बार देश की बागडोर संभालकर नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। उन्होंने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बात कही। उन्होंने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे सहित भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने पीएम मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे और सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ भी इस समारोह में शामिल हुए। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में इन नेताओं की भागीदारी पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ भारत की मित्रता और सहयोग के गहरे संबंधों को उजागर करती है। वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। ये नेता कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में भी शामिल हुए। राष्ट्रपति ने नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया न केवल देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यभार संभालते ही किसान कल्याण में सबसे बड़ा फैसला लिया। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं।
हरियाणा से 3 नव निर्वाचित सांसदों को एनडीए की गठित नई सरकार में मंत्री बनने का मौका हासिल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल से सांसद मनोहर लाल को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों में 8वें नंबर पर शपथ ग्रहण की। ऐसे में उन्हें बड़ा मंत्रालय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और फरीदाबाद लोकसभा से सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मनोहर लाल, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law. मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। भाजपा ने मोदी 3.0 में हरियाणा के 5 सांसदों में से 3 को मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 10 में से 5 सीटें हार गई थी और 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इसके बावजूद केंद्रीय कैबिनेट में मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह व कृष्णपाल गुर्जर को जगह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद मनोहर लाल के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने पर करनाल में कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की थाप पर नाचकर वे लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने मनोहर लाल को शुभकामनाएं दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री रहते करनाल सहित प्रदेश को अनेक विकास योजनाओं का तोहफा दिया है। अब केंद्र में उनकी सीधी भागीदारी होने से करनाल लोकसभा क्षेत्र और पूरे हरियाणा को फायदा होगा। देश की योजनाओं में काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ये मोदी मनोहर की जोड़ी देश में ऐसा काम करेगी कि आने वाले 2029 में हम देखेंगे कि भारत आत्मनिर्भर, भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से जिस तरह से 5वीं अर्थव्यवस्था से इन 10 सालों में आया है, आने वाले समय में पहली और तीसरी अर्थव्यवस्था पर आने का काम करेगा। एक एक बंदे के दिल में बसने वाले हमारे मनोहर लाल जी ने कल जो है ओथ ली है और तीसरा जो इंडिया ने जो मैच जीता है, इन सबकी जो खुशी आप करनाल वासियों के बीच में देख रहे हैं, निरंतर जो है हम खुशियाँ बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। ये जो खुशी है हमारी 4 तारीख से चलती जा रही है और ये आगे भी चलती जाएगी। जिस तरीके से विकास कार्य हुए हमारे और अब हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि सेंट्रल में भी सेंट्रल में भी जो हमें विकास कार्य की छड़ी उधर एनडीए सरकार में कृष्णपाल गुर्जर के तीसरी बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने पर फरीदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने आतिशबाजी में नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। फरीदाबाद लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद कृष्णपाल को एनडीए सरकार में एक बार फिर जगह मिली है। लोगों का कहना है कि कृष्णपाल ने क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन पर भरोसा है। नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में बनी है, उसके लिए पूरे देशवासियों में एक अलग तरह की उमंग, अलग तरह का जोश देखने को मिलता है। ऐसे ही फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार चौधरी कृष्णपाल जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। तो फरीदाबाद को केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व मिला है, उसके लिए तमाम क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है जो यहाँ पर आज वो प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं तमाम क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आज उन्होंने प्रधानमंत्री शपथ ली है और उसी के साथ साथ चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने 3 बार शपथ ली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा कि भाई कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास किया, एनडीए की जो सरकार बनी है पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा के लिए तत्पर है। जो सरकार पहले करते रही है आगे भी जनता की सेवा करती रहेगी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी तीसरी बार बने हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत ज्यादा उत्साहित है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के 2690 लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉटों के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित किए। इनमें सोनीपत के 1794, करनाल के 108, रोहतक के 766 और पानीपत के 22 बीपीएल परिवार के लाभार्थियों को प्लॉटों की रजिस्ट्रियां प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री व विधायकों ने इस योजना के 7000 से अधिक लाभार्थियों को प्लॉट की रजिस्ट्रियां वितरित की। प्लॉटों पर कब्जा लेने के लिए हरियाणा के गरीब लोग लंबे समय से जूझ रहे थे। भाजपा सरकार ने इनकी दिक्कत को समझा है, साथ ही उन्होंने सरकार की अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। कांग्रेस का मकसद अगर वास्तव में गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना था तो अभी तक लोगों को प्लॉट के साथ साथ रजिस्ट्री दे देनी चाहिए थी। उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके भेजा, और कमल का फूल दे करके तो भेजा, इतने काम भी किए हैं, परंतु विपक्ष के लोग हैं वो करते तो कुछ नहीं है, आकर के झूठ बोल करके गुमराह करके लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर जमा देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया और वोट लेकर के शोषण करने का काम करते हैं। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि गरीबी को देखने वाला ही गरीब का दर्द समझता है। कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ लोगों को चक्कर कटवाए गए, कुछ को तालाब वे कुछ को झगड़े वाली जगह पर प्लॉट काट कर दे दिए गए, लेकिन भाजपा सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है। उस गांव का नाम नोट कर लिया, बोला भाई देने तो पड़ेंगे, फिर साथ देंगे कि चक्री कटवा देंगे थारी, और इसी चक्री कटवा दी भाई, कुछ आगे प्लाट तो तालाब में काट दिए, कुछ आगे प्लाट जमीन ने नहीं ओढ़े, डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, कुछ तो काट कोड़ दे दिए। ईब गद्दी पर नायब बैठ गया, अरे हमने काम चाहिए तोड़ा, ऐसा छक्का मारा मेरे भाई ने, आज दूसरे नुको थे हमने प्लाट दिए, प्लाट दिए वही बावन तो न्यू पूछ लियो नुको, झगड़े वाले झंझट को खत्म करके अगर किसी ने मारे तो रहने खातर यू सिस्टम बना के दिया ना, वो तो छोरा नायब सैनी है और वो आज सारे तो देने खातर आ गया भाई। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉटों का कब्जा व मालिकाना हक के सर्टिफिकेट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के खजाने पर पहला हक जरूरतमंद व गरीबों का है, ताकि अमीर व गरीब की खाई कम हो तथा कमजोर वर्ग के परिवार भी ऊपर उठकर मुख्य धारा में शामिल हो सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन भी गांवों में पंचायती जमीनें थी उनमें योजना के तहत प्लॉट वितरित किए गए, परंतु जहां पंचायत स्तर पर जमीनें नहीं थी वहां लाभार्थियों को 1,00,000 रुपए की राशि दी गई है। कब्जा इसको दिलाकर के रजिस्ट्री कब्जा और कागज की जो मलकियत के कागज को दे दिए गए, और जिस गांव के अंदर पंचायत की जमीन नहीं है वहां हमने कहा कि जो गरीब आदमी जो प्लॉट अपने आप खरीदे और 1,00,000 रुपये उसको प्रति आदमी को हम देंगे प्लॉट के एवज में, बाकी का डिफरेंस है वो खुद पे करें। तो इससे ये है कि लगभग 20,000 आदमियों को परिवारों को इसका लाभ होगा, और उनको जो इतने सालों से अटका हुआ मामला था उसका समाधान हमने कर दिया है। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, जितनी योजनाएँ लेके आए हैं गरीबों के लिए लेके आए हैं, और आगे भी हमारी सोच ये है कि सरकार के खजाने पर पहला हक जो है गरीब का है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें प्लॉट का कब्जा व सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब वे इस पर अपना पक्का मकान बनाएंगे। उन्होंने इस योजना के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया। वहीं गांव चांग की सरपंच सुरेश देवी ने बताया कि उनके गांव में 154 लाभार्थियों को मालिकाना हक मिला है।
इसमें हम मकान बनाएंगे, बहुत अच्छा करे मोदी जी ने, बहुत बड़ी गली हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है। कल 9 तारीख को रविवार के दिन गांव के 154 लाभार्थियों को प्लाट का कब्जा मिल गया। लोगों का मानना ये, लोग बहुत खुश हैं कि इतने सालों से उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है सरकार से, तो सभी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करें। उधर जींद में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 132 प्लॉट धारकों को मालिकाना प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार अंत्योदय की भावना के साथ गरीब लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। अब प्रदेश सरकार हर अभावग्रस्त के दरवाजे पर दस्तक देगी। हरियाणा पे आदरणीय मोदी जी का बहुत मैं कहूँगी विशेष लाड और विशेष स्नेह रहा है कि पहले हमारे पास मनोहर हरियाणा था और अब मनोहर हरियाणा नायाब हरियाणा में बदल गया है और उसके कार्यशैली जो है वो अपने आप में अनुपम है, ये इस बात को दर्शा रही है। गरीब की छत की चिंता करना, गरीब के इलाज की चिंता करना, गरीब के चूल्हे की चिंता करना और गरीब की नौकरी की स्वावलंबन की चिंता करना, ये सारे काम नायब सैनी की सरकार हरियाणा में बखूबी कर रही है। 153 में से 130 जो है भाइयों को प्लॉट दिए गए हैं, तो मैं कुल मिलाकर के इन सबको बधाई भी देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी प्रकार के जैसे मनोहर हरियाणा रहा और अब नायब हरियाणा हो गया और वो भी उसी रफ्तार को पकड़ेगा। लाभार्थियों ने भी कहा कि इन प्लॉटों के मालिकाना हक का हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो पहल की है उसके लिए वे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। 10 महिला है, 14 पुरुष हैं और हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में बड़ी बहुत अच्छी पहल हुई है, जिसे गरीबों को जो 2011 प्लाट कटे थे ना उनका कब्जा था ना उनको मालिकाना हक था। अब सरकार ने ये अभियान चलाया, इसकी वजह से इन गरीबों को प्लाट मिले हैं। नायब सरकार ने ये गरीबों को अपना अधिकार दे करके बहुत अच्छा प्रयास किया है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये लगभग में कई सालों से अटके हुए थे प्लाट, ये कब्जा दिला करके बहुत ही बढ़िया काम किया, ये 100-100 गज के प्लाट मिले। सरकार ने जो प्लाट दिए उनको लोगों को रहने के लिए मकान मिल रहे हैं और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो इस सरकार के आने से ये सारे लाभ लोगों को मिल रहे हैं, हमारे गाँव में 24 लोगों को प्लाट मिले हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत सारा लाभ हो रहा है। इस सरकार के आने से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ द्वारा जनता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9 से 11 बजे तक प्रत्येक जिला और उपमंडल मुख्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के नीतिगत भाग से संबंधित मुद्दों को प्रशासनिक सचिवों के समन्वय से समाधान प्रकोष्ठ द्वारा राज्य मुख्यालय के स्तर पर हल किया जाएगा, जबकि योजनाओं के क्रियान्वयन की अड़चनों को जिला प्रशासन के माध्यम से समाधान शिविरों से दूर किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपायुक्त जिले से संबंधित दैनिक रिपोर्ट मंडल आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे, जिनमें सभी उपमंडलों से संबंधित अनुरोध शामिल होंगे। इसकी एक प्रति मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ को भी भेजी जाएगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों की संख्या, शिकायतों का समाधान, लंबित शिकायतों की संख्या और कारणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये तो हमें करना ही है, करेंगे, दैट इज वन। अब इसके साथ पेंशन की बात है, ये भी एक इशू कई कई जगह उठ रहा है, ज्यादा नहीं है लेकिन उठ रहा है। एक राशन कार्ड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी थोड़ा सा शिकायत है, ज्यादा नहीं है, ये भी कम है। जो पहले मैंने बोला ये ज्यादा है, ये बाकी कम है। और इसी तरह क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट्स, खास करके NCR रीजन में, एक एक के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि आप हमारे और पब्लिक के बीच में एक माध्यम हो, आपका बहुत वैल्यूबल रोल है। आज का जो मौसम है, खास करके हीट वेव चल रही है, तो पावर अवेलेबिलिटी
पानी का अवेलेबिलिटी, थोड़ा बहुत चर्चा हुआ पहले, पानी का अवेलेबिलिटी और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, ये चीजें मेरे लिए एक प्राथमिकता है आज का दिन। इसी कड़ी में आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हिसार के लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सरकार की अनेक योजनाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अब प्रत्येक दिन लघु सचिवालय परिसर में सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि आज लोगों की लगभग 70 एप्लीकेशन आई हैं और उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे शिविर के आयोजन से जनता को परेशान करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों की समस्या से भी निजात मिलेगी। आज प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया। हमने पब्लिक को सुना, उसके तहत हमने अभी उनकी ग्रुपिंग की है कि कौन से काम अभी हो सकते हैं, तो कुछ केसेस तो हमारे हो भी चुके हैं। तकरीबन हमारे पास 70 एप्लीकेशंस आई हैं आज। हम उम्मीद करते हैं कि इसके यूज़ से हम जनता को एक सोल्यूशन दे पाएंगे ऑन द स्पॉट ही। जो चीज़ें ऑन द स्पॉट नहीं हो सकती, जिसके लिए टाइम चाहिए या हेडक्वार्टर की कंसेंट चाहिए, उसकी अलग से लिस्ट बनाई जा रही है और ये जो रिपोर्ट है ये बना के डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय को भेजी जाएगी, जिसके बाद गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होंगी, कोई पॉलिसी चेंज होनी है, कोई गाइडलाइन चेंज होनी है, जिससे कि ऑन द स्पॉट और काम बढ़ सके, अच्छा हो सके। समाधान शिविर में पहुंचे लोग अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान पाकर संतुष्ट दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उनकी आज परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड व पेंशन जैसी समस्याओं का हाथों हाथ समाधान हुआ है। इस शिविर को शुरू करने पर लोगों ने प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद भी किया। गलत नाम था जी, और आज डीसी साहब ने समाधान शिविर लगाया और उस समाधान शिविर के अंदर तो के मेरे पिताजी का नाम ठीक करवाया। जल्दी से जल्दी उन्होंने, डीसी साहब ने तुरंत ठीक किया। मैं डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा राशन कार्ड कट गया था, राशन बंद हो गया था मेरा, 3 महीने हो गए और वो उसका समाधान करवाना आई थी वे, उसका 15-20 दिन में बन जाएगा, काम आपका सही बनेगा। मेरी समस्या डेट ऑफ बर्थ। आसमान से बरसती आग से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर भारत में आज से भीषण गर्मी की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। उधर हरियाणा में फिर शुष्क हवाओं ने रुख कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में, खासकर हरियाणा NCR में, फिर से पश्चिमी रेगिस्तानी गर्म और शुष्क हवाओं ने नमी वाली हवाओं की जगह ले ली है। अब 5 दिन तक कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय ना होने से हरियाणा में एक बार फिर से लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। कई जिलों में तापमान एक बार फिर से 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे मजबूत होते हुए अन्य राज्यों में भी सक्रिय होने लगा है। केरल के बाद मुंबई में मानसून समय से 2 दिन पहले ही पहुंच गया था, जिसके चलते मुंबई के साथ ही आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। हरियाणा में गरीब परिवारों के सफर को और अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सालाना 1 लाख तक की आय वाले परिवार रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक फ्री में सफर कर सकेंगे। इसी कड़ी में आज अंबाला में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये सरकार की अनूठी योजना है। अंबाला जिले में अब तक 35,000 लोगों ने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है, जिसमें तकरीबन सभी लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक सदस्य इस कार्ड का भागीदार बने, उनके लिए एक ऐसी योजना जो आरंभ की गई है। आज अंबाला शहर में जो हमारे जिले के ऐसे लाभार्थी हैं, उनका कार्यक्रम था, लगभग मौके पे 400 लोग मौजूद थे और 400-500 लोग जो है अभी इधर वेटिंग हॉल में, यानी आज 1000 लाभार्थी को केवल इसी कैंपस में इस योजना के नाते जो है मौजूद है। हमारे विभाग के उच्च अधिकारी और सिंह जी यहां सभी उपस्थित भी थे।
हैप्पी योजना के कार्ड प्राप्त कर लाभार्थी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि कहीं जाने से पहले उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति देखनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया। पापा मम्मी को दवाई लेने जाना होता था तो पैसे की वजह से जा नहीं सकते थे, अब हैप्पी कार्ड बन गया तो बिना कुछ सोचे जा सकते हैं बस में, और इस योजना का काफी लाभ है। हैप्पी कार्ड बनाया सर मेरा, वो हमें बहुत सुविधा मिली है, बस में कहीं भी जाना पड़े तो पैसे ना हो तो हम जा सकते हैं। ठीक मान रहे हैं सर, अच्छा किया जो सरकार ने। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।